नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक आकाशवाणी प्रोग्राम च देशवासियों की संबोधित करते हुए आख्या कि मुल्खा के नौजवान बलगा करते हैं सही मौके से मार्गदर्शन की। प्रधानमंत्री ने आख्या कि अंतरिक्ष क्षेत्र च सुधारे करने नौजवानों की वह बड़ा मता फायदा। अफसर पांडुरंग के पोलियो ने चुनाव दौरान मतदाताओं की सहूलत किए गए प्रबंधों का लेता जायजा। जम्मू प्रांत च स्वीप प्रोग्राम अभियान च आई तेजी, चुनाव अमले की सिखलाई भी तेज रफ्तारी करने जारी। नमस्कार, खबरें इस बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर, तुहानू पेश ने खबरां तफसील करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखे जे इस बरे उन्हें लाल किले थमां उन्हें 1 लाख नौजवानें दा जेड़े कुसे सियासी पृष्ठभूमि कन्नै संबंध नहीं रखते हैं उन्दा सियासी मोल कन्नै जुड़ने का आह्वान किया है। अज अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात च देशवासियों की संबोधित करते हुए उन्हें आख्या कि इस बारे बड़ी मती प्रतिक्रिया हासिल हुई है जिदे कन्नै पता चलता है जे बड़ी बद गिनतरी च नौजवान उत्सुकता कन्नै सियासत च शामिल होने लिए तैयार न। उनेंगी बस सही मौका ते मार्गदर्शन की लोड़ है। उन्हें जिक्र किया जो उनेंगी पूरे देशा च नौजवानों के संबंध च पत्र भी हासिल होए न। जिस प्रतिक्रिया हुई है इसे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं। बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। आरकर तिरंगा मुहिम के बारे च बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी च 750 मीटर लंबे तिरंगे की लेकर कड़ी गई रैली का भी जिक्र किया। यह तिरंगा रैली दुनिया के सारे को उच्चे चनार रेलवे पुल पर कड़ी गई ही। उन्हें बड़े मानने कन्ने आख्या जे जिन्हें भी ये तस्वीर दिखिया उनके दिल खुशी कन्ने फुली गए। विश्व संस्कृत दिवस जिहड़ा पिछले किश दिहाड़े पहले मनाया गया उसका जिक्र करते हुए मोदी होरें लिथुआनिया च व्यतिस विदुनास नां दे प्रोफेसर आसिया कीती गई एक अनोखी पहल का जिक्र किया जिन्हें नैरिस नां दी नदी के कंडे लोगों के एक समूह कन्ने वेदें ते गीता दे श्लोकें का उच्चारण किया। उन्हें इसी संस्कृत ऑन द रिवर्स आख्या। मोदी होरें आख्या जे संस्कृत के बाधे विकास वास्ते लोगों की अगे आने ते इहे नईयां कोशिशां करदे रहना लोड़चदा है। उसी दिन पूरी दुनिया में विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया। आज भी देश विदेश में संस्कृत के प्रति लोगों का विशेष लगाव दिखता है। दुनिया के कई देशों में संस्कृत भाषा को लेकर तरह तरह की रिसर्च और प्रयोग हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आख्या जे मुल्खा के नौजवानों की अंतरिक्ष वाले खेत्र च उहदे सुधारें करी बड़ा मता लाभ हासिल होया। उन्हें आख्या जे 21वीं सदी के भारत च नया बड़ा किश होआ करदा है जिस कन्ने विकसित भारत की नींव मजबूत होआरदी है। जियां कि इस महीने की 23 तरीक देशवासियों चंद्रयान 3 की सफलता उपर पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिहाड़ा मनाया। प्रधानमंत्री ने आख्या जे अंतरिक्ष संबंधी वातावरण बड़ा मता गतिशील होआ करदा है। इस 23 अगस्त को ही हम सब देशवासियों ने पहला नेशनल स्पेस डे मनाया। मुझे विश्वास है कि आप सबने इस दिन को सेलिब्रेट किया होगा। एक बार फिर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया होगा। पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी हिस्से में शिव शक्ति पॉइंट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। भारत इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना। सांसद जुगल किशोर शर्मा और आज पार्टी कारकुने कन्ने बैठे प्रधानमंत्री उनके मन की बात कार्यक्रम की सुनिया ते आखे जे प्रधानमंत्री ने हर उस चीज का जिक्र किया जड़ी मुल्खे दे विकास च बाधा करने वाली है। उन्हें आखे जे उस नया पूरी चाली लोगों की सरकार कन्ने जोड़ता है। जबरदस्त स्टार्टअप्स आके काफी इजी प्रतिक्रिया हुई है। उन्हें सही मौके और सिखाई गई जिसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले नौजवानों का मनोबल बढ़ाया है और विशेष तौर पर भारत ने जो स्पेस
में उपलब्धियां प्राप्त की हैं उस पर भी चर्चा की है। और ये जो मन की बात का कार्यक्रम होता है राजनीति से हटकर होता है, देश के प्रति समर्पण भावना और जो देश के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उनका मनोबल बढ़ाना। तो रियासी च भी अज लोकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे मन की बात प्रोग्राम की बड़े उत्साह कन्ने सुनिया। चनाब उपर बने दे रेलवे पुल उपर फहराए गए 750 मीटर लंबे तिरंगे झंडे का जिक्र सुनिए, लोग बड़े मते खुश होए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के रियासी की है। यहां 750 मीटर लंबे झंडे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई और ये रैली दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज पर निकाली गई। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसका मन खुशी से झूम उठा। देखिए जम्मू कश्मीर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से जम्मू कश्मीर की के ऊपर उनकी खास नजर है। चाहे वो कश्मीर की बात करें चाहे वो जम्मू संभाग की बात करें, वो कभी ना कभी किसी न किसी तौर पर जम्मू कश्मीर पर खास उसके विकास के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, शिक्षा के लिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नवी दिल्ली च अमरीका भारत सिविल परमाणु व्यापार उपर लगी एक दपक्षी मीटिंग की अध्यक्षता की। साइंस ते टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने आज आख्या जे मीटिंग च दोने मुल्खें साइंस टेक्नोलॉजी ते स्वच्छ ऊर्जा सने कई महत्व वाले खेत्रें च आपसी सहयोगी और बधाने उपर गलबात की। मीटिंग दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें घोषणा की जे गगनयान मिशन थमां एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र च शामिल होने लई तैयार है, जड़ा कि भारत अमरीका अंतरिक्ष सहयोग च एक खास मील का पत्थर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव दौरान मतदाताएं की हासिल करवाई जाने वाली सहूलतें बारे जायजा लेने लिए कल जम्मू च मुख चुनाव अफसर पांडुरंग के पोलियों की अध्यक्षता च एक बैठक लाई गई। बैठक दौरान दस्या गया जे कुल 11,838 मतदान केंद्र कायम किए जा करदे हैं, जिंदे चा 2,332 मतदान केंद्र शहरी इलाके च ते 9,506 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाके च कायम किए गए हैं। बैठक च भी दस्या गया जे चुनाव के पहले मरले तहत जम्मू प्रांता दे डोडा रामबन ते किश्तवाड़ जिले च मौजूद 8 विधानसभा हल्कें च भी 18 सितंबर की वोट पाए जाने हैं। जम्मू कश्मीर च आउंदे विधानसभा चुनाएं की पारदर्शी ते आजादाना तरीके कन्ने संपन्न करवाने लई चुनाव खर्चे की निगरानी लई तैनात तकरीबन 800 अफसरें की कल जम्मू के निर्वाचन भवन च सिखलाई दी गई। इस प्रोग्राम की शुरुआत प्रदेश के मुख चुनाव अफसर पांडुरंग के पोले होरें की। एदे च चुनाव लई नियुक्त सबने 22 एजेंसियों के अफसर ते कर्मी भी शामिल होए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव दौरान कश्मीरी विस्थापित वोटरें लई खास प्रबंध किए गए हैं। इस बारे गल करते हुए रिलीफ कमिश्नर अरविंद करवानी होरें दस्या जे जम्मू च कश्मीरी विस्थापित लई 19 खास मतदान केंद्र कायम किए गए हैं। इसके अलावा उधमपुर च एक ते दिल्ली च 4 मतदान केंद्र कश्मीरी विस्थापित लई कायम किए गए हैं। एम फॉर्म जम्मू और उधमपुर में एम फॉर्म डिस्पोज ऑफ हुआ, एम फॉर्म की जरूरत कोई जरूरत नहीं है। जो वोटर है वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन में वो यहाँ पर वोट कास्ट कर सकता, जैसे मैंने कहा कि जिस जोन के साथ रजिस्टर्ड है वहाँ पे उस जोन का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। इसमें मैं ये चीज़ कहूँगा कि 20 अगस्त को जो फाइनल इलेक्टोरल रोल कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिश हुआ तो उसके बाद 22 तारीख को हमारे एक स्कीम जो इलेक्शन कमीशन नोटिफाई की है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, उसके हिसाब से ये दोनों ऑप्शन है, स्पेशल पोलिंग स्टेशन में भी वोट कर सकते हैं और थ्रू पोस्टल बैलेट भी कर सकते हैं, मीन स्पेसिफाइड एंड नोटिफाइड वोटर्स दोनों का ऑप्शन जो है अवेलेबल है। रामबन जिले में मौजूद जम्मू कश्मीर विधानसभा के हल्के लिए 18 सितंबर की होने वाले मतदान वास्ते सभी तैयारियां पूरी कर लेती गई। जिला चुनाव अफसर अब्दुल जब्बारो ने दस्या जे इस सिलसिले च 3,575 सरकारी कर्मचारी की वोट पाने की सारी कार्रवाई बारे सिखलाई दी जा करती है। 3,575 इंप्लाइज हैं, उनको जो है वो हमने 5 दिन की ट्रेनिंग अच्छे ढंग से जो है वो दी है। 11 जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर है, उन्होंने इन सब एम्प्लॉइज को जो है वो अच्छे ढंग से ट्रेन किया है। जो वुमेन पोलिंग स्टेशन जहां वुमेन ने ड्यूटी परफॉर्म करनी है उनकी हमने अभी ट्रेनिंग जो है वो आने वाले दिनों में जब रैंडमाइजेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम उनको भी जो है अच्छे ढंग से ईवीएम का वेल ट्रेन करके जो है वो फील्ड में उतारेंगे। डोडा के जिला चुनाव अफसर और मतदान की पूरी प्रक्रिया की पारदर्शी से निरपक्षता कने संपन्न करवाने लिए डोडा के डिग्री कॉलेज वोटें की गिनती लिए किए गए इंतजामों का जायजा लेता। इस थारा पर डोडा पूर्वी डोडा पछमी भद्रवाह विधानसभा हल्के वोटें की गिनती की जाएगी।
हमारा काउंटिंग स्टाफ होगा, दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज के देखिए, आप जानते हैं हमारी इलेक्शंस 18 तारीख को है, 18 सितंबर को, और 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को हमारी काउंटिंग है। आज हम यहाँ पे इलेक्शंस की सारे अरेंजमेंट ओवरसी करने आए थे, मैं और एसएसपी साहब और हमारी पूरी टीम। आज जो काउंटिंग सेंटर के अरेंजमेंट्स है उसको हमने रिव्यू किया और डिसीजंस लिए कि कहाँ पे हमारी काउंटिंग होगी और कहाँ हमारे स्ट्रांग रूम्स रहेंगे, तो उसी की जो डायरेक्शंस थी वो पास ऑन कर दी गई हैं। उधमपुर का जिला चुनाव महकमा औंदे विधानसभा चुनाव लई तैयारियों की खीरी रूप दिया करता है। साढ़े संवाददाता कन्ने गलबात करते हुए जिला चुनाव अफसर सलोनी राय होरें दस्या जो उधमपुर च 4 विधानसभा हल्के न, इंदे लई 4,21,000 कोला मते योग्य मतदाता दर्ज न। हर तरह की तैयारियां जो है इस जिले में कर ली गई हैं, इस बारे में मजीद जानकारी हम लेंगे डिप्टी कमिश्नर और जिला चुनाव अधिकारी सलोनी राय जी से। हमारा वोटर बेस 4.21 लाख वोटर्स का है अक्रॉस द 4 ACs, और उधमपुर चुनाव के तीसरे फेज में है, और यहाँ पे 1 अक्टूबर को पोलिंग होगी, 5 सितंबर को यहाँ पे नोटिफिकेशन कराई जाएगी जिसमें 12 सितंबर तक नॉमिनेशन फाइलिंग होगी, 13 सितंबर को स्क्रूटनी होगी, और 17 सितंबर को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के बाद कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट आउट की जाएगी। मिनिमम फैसिलिटीज़ की सुविधा है, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट रिलेटेड, बॉर्डर कोड वायलेशन रिलेटेड जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस रहती हैं उन सभी पे कार्रवाई चल रही है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम यहाँ पे फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस कराएं। स्वीप प्रोग्राम तहत मतदाताओं की जागरूक बनाने वास्ते उधमपुर च जिला चुनाव महकमे की तरफा सुभाष स्टेडियम च गुडियां पतंगा डुआने के प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्वीप की नोडल अफसर स्वाति शिमार ते प्रीति शर्मा की अगुवाई च किया गया ते इहदे च बड़ी मती गिनती च नौजवान शामिल होए। आज हम स्वीप के तहत काइट फेस्टिवल का उधमपुर में हमने आयोजन करा है ताकि हम जनता को जागरूक कर सके कि 1 अक्टूबर को वो सब आए और अपने मतदान दें और अपनी पसंद की सरकार चुनने में चुने, और इसी के तहत अभी हमने जब शुरुआत ही करी है, धीरे धीरे हमारा स्केल भी बढ़ेगा और हम और एक्टिविटीज कराएंगे और हम गांव को भी टच करेंगे और अर्बन एरियाज को भी टच करेंगे। पुंछ च चुनावकर्मियों की सिखलाई देने का प्रोग्राम आज पूरा हो गया। सिखलाई प्रोग्राम के प्रभारी लियाकत अली ने दसिया जे तकरीबन 1,000 चुनावकर्मियों की एक दिहाड़े च सिखलाई दी गई जिदे च ईवीएम ते वीवीपैट के इस्तेमाल की जानकारी भी शामिल है। इलेक्शन ट्रेनिंग हैं वो चल रही हैं, तो हमारी फर्स्ट फेज का जो सेकंड सेशन है इस वक्त बिल्कुल कैरी ऑन है। DLMTs जो है वो अपने सेशन के मुताबिक कंपोनेंट वाइज ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, और हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रिस्पेक्टेड विकास कुंडल सर ने जो ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया है फर्स्ट फेज का, ये 22 अगस्त 2024 से 25 अगस्त 2024 89 हवेली पुंछ में है। जम्मू कश्मीर च 10 बरे परंत होने वाले विधानसभा चुनाव लई लोकें च ते खास करके नौजवानों च बड़ा मता जोश बने दा है। पहली बारी वोट पाने वाले नौजवान बड़े खुश ने ते उंदा आखना है जे हुण ओह भी लोकतंत्र दी सबने कोला बड़ी प्रक्रिया च अपना योगदान दे सकदे ने। कश्मीर को भी एक अलग पहचान मिलेगी, हम अपना वोट दे पाएंगे और एक अपनी इच्छा से कोई रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर पाएंगे जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए सोचेगा। जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट्स की तरह आगे प्रगति करेगा, इस चीज़ को देखते हुए बहुत खुशी हो रही है और आशा करते हैं कि हमारे आने वाली सरकार अच्छे से अच्छे कार्य करेगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन हो रही है, हम फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और हमें यहाँ पर अपने लीडर्स को चुनने का मौका मिलेगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का मौका मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे मुद्दे उठाएं। यूथ के लिए बात करें, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट पर जो है सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो जो है वो ज़्यादा आपके साथ जुड़ेगा अगर उम्मीदवार अच्छा हो। हम बहुत एक्साइटेड होते थे पहले, जैसे हमारे बड़े वोट दिया करते थे, इस बार मेरा भी पहला वोट है और हम चाहते हैं कि अच्छा जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए, हम चाहते हैं कि आप भी। खबरें इस बुलेटिन च बस इन्ना गए, दो इजाजत, नमस्कार।